Hi guys, welcome to my channel Learn English with Farah. आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ क्लासरूम पनिशमेंट, क्लास में कैसी कैसी सजा मिलती है और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं. काफी बार क्या होता है कि टीचर हिंदी मीडियम से होते हैं और उनको इंग्लिश मीडियम में जॉब मिल जाती है तो लेकिन क्लास को हैंडल करना नहीं आता, उनको पनिशमेंट दे तो कैसे इंग्लिश में बोले, तो उसकी इंग्लिश में लेके आई हूँ. तो आप जैसे देख सकते हैं कि मुर्गा बनो की क्या इंग्लिश होगी. लोगों ने कमेंट में भी कई बार पूछा है मुझसे कि मैम मुर्गा बनो की इंग्लिश क्या होगी, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं. तो गाइस वीडियो देखने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा. तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है. मुर्गा बनो की इंग्लिश क्या होगी. पहले देखते हैं मुर्गे की इंग्लिश क्या होगी. मुर्गे की इंग्लिश होगी रूस्टर. ROSTER ये आप लोग ने पढ़ा होगा, रूस्टर यानी कि मुर्गा. अब मुर्गा बनो तो इसकी हो जाएगी इंग्लिश कम इन आ रूस्टर, कम इन अ रूस्टर पोजिशन. ये देखिए क्लास के आप बच्चे को बोल रहे हैं कि मुर्गा बन जाओ तो उसकी कम इन अ रूस्टर पोजिशन यानी कि मुर्गे की पोजिशन की तरह तुम बैठ जाओ उस तरह. कम इन अ रूस्टर पोजिशन, मुर्गा बन जाओ यानी कि कम इन अ रूस्टर पोजिशन. चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है. दूसरा सेंटेंस भी काफी इजी है, सब क्लासरूम पनिशमेंट के हिसाब से ही मैंने लिखा है. अब है कान पकड़ो. कान पकड़ो, कान पकड़ो की इंग्लिश क्या होगी. सबसे पहले कान, कान का मतलब होता है ईयर्स. ईयर्स कान पकड़ो, और पकड़ो का मतलब होता है होल्ड. जैसे बोलते हैं होल्ड योर पेन, होल्ड योर पेंसिल, तो होल्ड यानी कि पकड़ना. तो इसकी इंग्लिश होगी यहाँ पे होल्ड योर ईयर्स. देखिए कितना इजी है. अगर आप सेंटेंस ब्रेक करके उसकी मीनिंग इंग्लिश में निकालेंगे तो आपके सेंटेंस सही आएंगे. कान पकड़ो, पकड़ो यानी कि होल्ड ईयर्स, अपने कान पकड़ो, होल्ड योर ईयर्स, होल्ड योर ईयर्स. अब दूसरा देखते हैं होल्ड योर ईयर्स कम इन अ रूस्टर पोजिशन. ये सब आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए. अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं तीसरा क्या है. घुटने के बल बैठना, ये भी सजा दी जाती है. घुटने के बल बैठना या फिर खड़े होना. घुटने के बल बैठना या फिर खड़े रहना, जो भी हो. तो इसकी इंग्लिश होगी नील डाउन. घुटना को बोलते हैं नी. और अब आप जमीन पे घुटने के बल खड़े हैं तो उसको बोलेंगे नील. नील घुटने के बल खड़े रहना या फिर घुटने के बल बैठना. तो नी तो इसको बोलेंगे डाउन, नीचे. डाउन नीचे, घुटने के बल नीचे बैठना. तो सिर्फ टू वर्ड सेंटेंस है नील डाउन, इतना आप याद रखिएगा. ये भी सजा है, आप बोल सकते हैं नील डाउन, कम ऑन क्लास नील डाउन, यानी कि पूरे क्लास लोग अब घुटने के बल बैठ जाओ. देखते हैं नंबर फोर क्या सेंटेंस है. नंबर फोर है हाथ ऊपर करना. हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो. हाथ ऊपर करो की इंग्लिश होगी हैंड्स अप. क्लास में आप सारे बच्चों को बोल रहे हैं तो हैंड्स अप इधर मैं लिख दे रही हूं. लास्ट में सब पूरा मैं एक साथ लिख दूंगी ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए. हैंड्स अप की तो मैं अभी एक एक करके मैं बता रही हूं आपको मीनिंग. हैंड्स यानी कि बहुत सारे हाथ, अप यानी कि ऊपर. हैंड्स अप, रेज योर हैंड लाइक दिस,
hands up like this. हाथ ऊपर करो, hands up. हाथ hands ऊपर करो, up, hands up. खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े होना है, stand up. तो यहां मैं लिख दे रही हूं, stand up, यानी कि खड़े हो जाना, खड़े हो जाओ, stand up. हाथ ऊपर करो, hands up. खड़े हो जाओ, stand up. और अगर टीचर बोले कि बेंच पर खड़े हो जाओ, उसकी क्या होगी इंग्लिश? उसकी भी इंग्लिश बहुत ही सी इजी है. बेंच पर खड़े हो जाओ. तो चलिए देखते हैं क्या होगा उसका. ये मैं हिंदी पर लिख दे रही हूं, बेंच पर खड़े होना. ये भी पनिशमेंट बहुत कॉमन है स्कूल में, बेंच पर खड़े होना. बेंच यानी कि डेस्क, डेस्क पर यानी कि ऑन, खड़े होना स्टैंड. ठीक है, अब इसको आप तोड़ के देखिए ऐसे होगा. अब इसकी पूरा फुल सेंटेंस क्या होगा तो मैं लिख दे रही हूं यहां पे, स्टैंड ऑन योर डेस्क या फिर बेंच. बेंच इंग्लिश वर्ड है. स्टैंड ऑन योर डेस्क या फिर स्टैंड ऑन योर बेंच. बेंच पर खड़े हो जाओ, स्टैंड ऑन योर बेंच. अब इसके बाद का क्या है, जैसे पूरे क्लास को कभी कभी क्या होता है कि अभी तो नहीं होता लेकिन पहले होता था, अभी तो कंप्लेन हो जाती है कि टीचर अगर बच्चों को मारती है. तो पहले क्या होता था कि वो स्केल से हाथ पे मारते थे. तो स्केल से हाथ पे मारने की इंग्लिश क्या होगी मैं बताती हूँ, उसकी होगी बैंड. बैंड, बैंड यानी कि मारना. ऑन, मारना ऑन किस पर, ऑन अ पाम. पाम बोलते हैं हथेली को, हथेली को पाम, पाम बोलते हैं इसको. बैंड ऑन अ पाम विद अ स्केल, पटरी से. देखिए हाथ पर स्केल से मारना, बैंड ऑन अ पाम विद अ स्केल, ये हो गया. बेंच पर खड़े होना, बेंच डेस्क, ऑन पर खड़े होना स्टैंड, स्टैंड ऑन योर डेस्क या फिर बेंच. और हथेली पर मारना, हाथ पर मारना पटरी से, जो पहले को बहुत कॉमन था बट दैट इज नॉट कॉमन नाउडेज. तो बैंड ऑन अ पाम विद अ स्केल. और पहले की सजा क्या थी, उंगली मोड़ देना. मास्टर जी क्या करते थे ना, हाथ की उंगली मोड़ देते थे, तो वो भी एक काइंड ऑफ पनिशमेंट होती थी. तो उंगली मोड़ना, उसकी इंग्लिश क्या होगी, चलिए देखते हैं उसकी इंग्लिश क्या होती है. यहां हो गया उंगली, हिंदी मेरी ठीक नहीं है ज्यादा, उंगली मोड़ना. उंगली मोड़ना, सबसे पहले देखते हैं कि उंगली को क्या कहते हैं इंग्लिश में. उंगली को बोलते हैं फिंगर्स. मोड़ने को बोलेंगे ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग. मोड़ना, मोड़ना कोई चीज, मोड़ना यानी कि ट्विस्टिंग. तो इसका सेंटेंस हो गया ट्विस्टिंग फिंगर्स. यहां मैं लिख देती हूं, ट्विस्टिंग फिंगर्स. उंगली मोड़ना यानी कि ट्विस्टिंग फिंगर. और कभी कभी क्या होता है, बच्चे होमवर्क करके नहीं आते हैं तो मैम कॉपी में
लिख देती है ना कि ठीक है तुम लिखो कि आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, और ये सेंटेंस को 100 बार लिखो, तो वो सेंटेंस को 100 बार लिखो एज अ पनिशमेंट, तो उसको बोलेंगे राइटिंग पनिशमेंट। यहाँ पे राइटिंग पनिशमेंट, राइटिंग पनिशमेंट। और लास्ट है क्लास के बाहर जाना, क्लास के बाहर जाना, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको रेज कर देती हूँ। कुछ बोर्ड पे लिखना तो उसकी इंग्लिश होगी राइट समथिंग ऑन बोर्ड, और राइट नाउ आई एम इरेजिंग, यानी कि मैं रब कर रही हूँ, मिटा रही हूँ। तो क्लास के बाहर जाओ, पहले हिंदी लिख देती हूँ, क्लास के बाहर जाओ, क्लास के बाहर जाओ, क्लास के बाहर, बाहर आउट, के ऑफ जाओ, गो क्लास, क्लास। तो आप ये ब्रेक करके एक एक मीनिंग मैं बता दे रही हूँ। अब इसको पूरा कंप्लीट कैसे करेंगे, तो कंप्लीट करेंगे गो आउट ऑफ द क्लास, गो आउट ऑफ द क्लास, यानी क्लास के बाहर जाओ, गो आउट ऑफ द क्लास। तो ये हो गया, मैं वन बाय वन पूरे सेंटेंसेस लिख दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से उसको नोट कर ले। तो मुर्गा बनो, मुर्गा बनो, कम इन अ रूस्टर पोजीशन, कम इन अ रूस्टर पोजीशन, यानी कि मुर्गा बनो। दूसरा है अपने कान पकड़ो, होल्ड योर ईयर्स, यानी कि अपने कान पकड़ो। तीसरा देखते हैं क्या है, तीसरा है हैंड्स अप, यानी कि पूरे क्लास हाथ ऊपर कर लो, जैसे पुरानी मूवीज में दिखाते हैं ना, विलेन वगैरह होते हैं तो पुलिस पहले बोलती है हैंड्स अप, यानी कि हाथ ऊपर कर लो। फोर है घुटने के बल बैठना, नील डाउन, कम इन अ रोस्टर पोजिशन, होल्ड योर ईयर्स, हैंड्स अप, नील डाउन। फिफ्थ है स्टैंड ऑन योर बेंच, देख लीजिए ये चार पांच है, कम इन अ रोस्टर पोजिशन इम्पोर्टेंट, होल्ड योर ईयर्स, हैंड्स अप, नील डाउन, स्टैंड ऑन योर बेंच। नंबर सिक्स है ट्विस्टिंग फिंगर्स, ट्विस्टिंग फिंगर्स। सेवन है राइटिंग पनिशमेंट, अब आपके लिए तो मैं इसकी हिंदी भी लिख दूं यहाँ पे, रोज इसका होगा मुर्गा बनो, होल्ड योर ईयर्स, कान पकड़ो, इसे आप नोट कर लीजिए, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, नील डाउन घुटनों के बल बैठना, नील डाउन यानी कि नीचे घुटनों के बल, ये भी अ काइंड ऑफ पनिशमेंट है, बल बैठना। स्टैंड ऑन योर बेंच यानी कि बेंच पर खड़े रहना, बेंच पर खड़े रहना।
ट्विस्टिंग फिंगर्स, उंगलियां मोड़ना, उंगली मोड़ना, और लास्ट में राइटिंग पनिशमेंट यानी कि लिखावट की सजा, जो बोल देते हैं ना कि 100 बार लिख के आना। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे राइटिंग पनिशमेंट। मुझे लग रहा है कि दिख नहीं रहा आप लोग, राइटिंग पनिशमेंट इधर है नंबर 7 पॉइंट। इसे आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगे आप प्लीज बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं इस तरह और भी वीडियोस लेके आऊंगी ताकि आपको इंग्लिश जानने और समझने में बहुत ही आसानी होगी। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।